bank balance for class 11 accountancy. In previous lecture, we discussed how to prepare trial balance, what is trial balance and why we prepare it. Now, what is trial balance? Trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to check the arithmetically accuracy of the accounts. अब तक हमने जितनी भी अकाउंट्स में एंट्रीज किए हैं, जर्नल, जर्नल से हम पोस्टिंग करते हैं इन लेजर, तो वी वांट टू चेक अब तक जो हमने काम किया है वो अपना राइट है, रॉन्ग है. फॉर दैट वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. दिस इज द रीजन दैट वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. बट समटाइम्स देयर आर सम एरर्स. टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर. एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मीन डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. ऐसी एरर जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं, दैट इज एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. सेकंड, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मीन नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस. ऐसे एरर जो हमें लोकेट नहीं हो पाते हैं. तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एरर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस. वन बाय वन वी विल टेक इट. फर्स्ट वी विल डू एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. नाउ देयर आर फर्स्ट टाइप ऑफ एरर, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. देयर इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. इफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड डज नॉट टैली मीन्स टोटल डज नॉट टैली, इट विल इंडिकेट सम एरर्स हैव बीन कमिटेड. सम कुछ गलतियां हो गई है. द अकाउंटेंट विल देन प्रोसीड टू फाइंड द एरर्स एंड अल्टीमेटली ही विल लोकेट द एरर्स. उसको एरर फाइंड आउट कर लेगा, तब इसका टोटल टैली हो जाएगा. वो कौन से एरर्स होते हैं जिसको हम इजिली लोकेट कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम रॉन्ग कास्टिंग. इफ द टोटल ऑफ कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज रॉन्ग. हम लोग सारे बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कहां से लेके आते हैं? फ्रॉम लेजर. अगर हमने उनका रॉन्ग टोटल यहाँ पे ले लिया है, इट विल नॉट टैली. तो इट्स द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. फर्स्ट एरर विच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. द सेकंड वन, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड. इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑफ फॉर द डेबिट साइड, इट इज पोस्टिंग टू द क्रेडिट साइड और वाइस वर्सा. मीन डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया है, देन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. हाउ? वी हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम राम. परचेज इज काउंट डेबिटेड टू राम. राइट एंट्री वाज दिस. दिस वाज द राइट एंट्री. हमने करना था परचेज इज काउंट टू राम, लेकिन हमने क्या कर दिया? परचेजेस को हमने राइट डेबिट कर दिया. बट राम को इंस्टेड ऑफ डेबिट, इंस्टेड ऑफ क्रेडिट हमने उसको डेबिट कर दिया. देन टोटल बिल नॉट टैली. दिस एरर कैन बी इजली डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस. द नेक्स्ट वन, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट. वी हैव परचेज द बुक फ्रॉम हरि. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू हरि ऑफ रूपीज 600. हमने हरि से 600 की गुड्स परचेज की है. वी हैव करेक्टली एंटर इन परचेजेस अकाउंट रूपीज 600 बट रॉन्गली क्रेडिट टू हरि अकाउंट रूपीज 60. देन द टोटल विल नॉट टैली. नाउ द नेक्स्ट वन इज ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री. ओमिशन मीन फॉरगेट. हम भूल ही गए हैं, हम वन साइड में एंट्री करने ही भूल गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने शाम से गुड्स, शाम को गुड्स सोल्ड की है. सोल्ड गुड्स टू शाम ऑफ रूपीज 1000. वट विल बी द एंट्री? श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. बट करेक्टली क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, बट वी फॉरगेट टू एंटर इन श्याम अकाउंट. देन द ट्रायल बैलेंस टोटल विल नॉट टैली. द नेक्स्ट वन, डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट. इफ वी एंटर डबल इन ए सिंगल अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल
become ₹1000. It means total bill not tally. But from these errors we can easily find out our errors. We easily can disclose our errors. One more is there. Now there one more is there which affects the trial balance. Error of jotting and balancing of account in the ledger. Error may occur in the totaling of debit or credit side of accounts in the ledger or in the on the balancing of accounts in the ledger. कई बार हम जब debit और credit side का total करते हैं तो वहां पे कोई error अक्सर हो सकता है. Otherwise balancing of accounts in ledger. जब हम ledger से balances को लिख के आ रहे हैं आगे balance forward कर रहे हैं then there some maybe there are some error. So we can easily find out these error which affects the trial balance. Now we will discuss that error which does not affect the trial balance. That error not disclosed by the trial balance. Now there are some more errors which does not affect the trial balance. Mean does not disclose by the trial balance. ऐसे errors जो होते हैं लेकिन जिनको find out करना locate करना possible नहीं होता. Some examples of errors are there. First one is error of omission. Omission means भूल जाना forget.
डेबिट साइड हमने किसी एंट्री को किसी की पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में कर दी है बट करेक्ट राइट साइड में. फॉर एग्जाम्पल वी हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम राम. परचेज इज नॉट डेबिट. हमने क्रेडिट करना था राम को लेकिन हमने किसको क्रेडिट कर दिया श्याम को. अकाउंट रॉन्ग है बट करेक्ट साइड किया है तो टोटल बिल टैली इसमें इस डेट एरर विद दिस डज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस. देयर आर सम एरर्स विच डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस इफ नो देन ट्रायल बैलेंस विल टैली. नाउ देयर वाज वन न्यू अकाउंट सस्पेंस अकाउंट. समथिंग इन स्पाइट ऑफ बेस्ट अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड. सभी एरर्स को हम लोग लोकेट नहीं कर पाते हैं फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होती है. इन सच ए सिचुएशन टू अवॉइड द डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अगर हम इन्हीं को फाइंड आउट करते रहेंगे तो हमें आगे फाइनल अकाउंट बनाने में डिले हो सकता है. टू अवॉइड द डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड टू ए न्यूली ओपन अकाउंट कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट. इफ द टोटल डज नॉट टैली ऑफ ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल टैली नहीं होता है तब हम काम में बिना डिले किए हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और इनके डिफरेंस को हमें न्यू ओपन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट. अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो हम डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट का अकाउंट ओपन करके जितना डिफरेंस है उसमें डाल देंगे. अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट ओपन करके डिफरेंस उसमें डाल देंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ट्रायल बैलेंस. Why do you prepare it? How do you prepare it? And the types of errors which affect the trial balance or which do not affect the trial balance. Now try to